Good morning, everyone. Welcome back to our channel and hope you all are doing well. Sorry, spare my dad. मेरा घर में कुछ काम चल रहा है. ये बाल का हालत देखो, इतना खराब हो चुका है ना, इसको सही कराना है. एक्चुअली बगल बिल्डिंग में जो काम हो रहा था ना, उसके वजह से ये बाल मेरा पूरी तरह से खराब हो चुके हैं. पूरी तरह से मतलब यूज के लायक नहीं रहा, तो बस इसको सही कराना है. इसके लिए ये सारा सामान आया हुआ है, ये सही कराना है. एनीवेज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे. मैं ना हाँ दूध निकाल रही हूँ यहाँ पे. अभी लंच बनाऊंगी, लेकिन लंच सबके लिए मतलब दो टाइम के लिए आज बनाना है. मतलब दादा और मम्मी का रहेगा, हम लोगों का नहीं रहेगा, क्योंकि आज इनविटेशन है. इनविटेशन इन द सेंस मयंक का आज स्कूल फ्रेंड है, उसका घर में हम लोगों को जाना है. इनविटेशन है, तो ये मैंने सोचा कि चलो लंच तो मैं बनाऊंगी, अच्छा सा कुछ बनाऊंगी, क्योंकि मेरा ना दिमाग में बहुत सारा कुछ प्लान चलते रहता है. ये बनाऊं तो आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो बनाऊं तो आप लोगों के साथ शेयर करूं. तो मैंने सोचा कि चलो आज एक लाइट वेट बनाऊंगी, लेकिन एक थाली बनाऊंगी जो रात को भी दादा और मम्मी का हो जाएगा. और इनविटेशन एक्चुअली होते हैं ना कि स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, उनका घर से अगर कुछ इनविटेशन आते तो पेरेंट्स को आता है. कभी कभी होता है कि किसी एक पेरेंट्स को बोला जाता है, या तो मम्मी या तो पापा और साथ में बच्चे. लेकिन यहाँ पे वो लोग बहुत ही मतलब होता है ना, बहुत साल से पढ़ते हुए, 3-4 साल से एक साथ माइंड पढ़ रहा है उसके साथ, एक दो साल से ही पढ़ रहा है उसके साथ. तो अभी क्या हुआ कि एक फैमिली फ्रेंड्स टाइप हो गई है, तो इसलिए हम लोगों को मतलब दोनों को बुलाया गया है. तो हम लोग भी जाएंगे शाम को. फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, तो सबका कहने का मतलब कि थोड़ा सा चाय पी ले. तो चलो थोड़ा सा चाय बनाती हूँ. और आज कल ना मैं स्केटिंग ले रखा है स्कूल में, उसका स्केटिंग किट आ गया, उसे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अभी था. तो मैं आजकल उसको स्केटिंग का बहुत चढ़ा हुआ है, तो सुबह शाम वो उसी में पड़ा हुआ है. एनीवेज चलो, आज शायद बारिश होने वाली है, लग रहा है वेदर इतना खराब है. बारिश, अब मैं बाहर का वेदर दिखाऊं आपको, इतना खराब वेदर है ना, बारिश लग रहा है. ये देखो अंधेरा अंधेरा हो रहा है, 11:30 के करीब हो रहा है अभी. एनीवेज चलो, पहले मैं चाय वाय बनाऊं. और मेरा हालत ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि शाम मेरा हेयर ना पूरा खराब हो रहा है. मुझे लग रहा है मुझे फिर से स्मूथनिंग की जरूरत है, नहीं तो मेरा ये सामने वाला जो हेयर है ना, एकदम खराब हो जाते हैं बिना स्मूथनिंग का. देखती हूँ मैं ना, ऊपर नीचे कर रही हूँ ना, सुबह से ऊपर नीचे कर रही हूँ, इतना ऊपर नीचे कर रही हूँ ना, थकान सा हो रहा है. एनीवेज चलो, फिलहाल सबके लिए थोड़ा सा चाय बना दो और उसके बाद लंच बनाओ. फिर प्रिपरेशन भी करना है, जाने की तैयारी भी करनी है. इन्विटेशन इन द सेंस नया घर लिया है वो लोग, तो वहीं पे जाना है. चलो चाय बनाओ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ किचन में बहुत अच्छा रेसिपी के साथ. तो जी, सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ा दिया यहाँ पे, और जो वाइट मटर होते हैं ना वो बॉइलिंग पे रख रही हूँ. इसका एक बहुत अच्छा रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. फिलहाल तो इसको बॉइलिंग पे लगाऊँ, थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ, और बस इसको और कुछ नहीं करना है. 4-5 सीटी ले लेना है. और यहाँ पर मैं आटा लगा चुकी हूँ, जब तक मेरा मटर बॉयल हो रहा है मैं आटा लगा चुकी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे रोटियाँ सेकनी है साथ में. तो बस इसलिए आटा जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ. और एक सीटी हुआ ना, तो वैसे ही धुआं धुआं हो गया था. तो चलिए, यहाँ पे मैंने ऑनियन को कट कर ली और आटा मेरा रेस्ट कर रहा है. यहाँ मैं पकौड़ी बनाऊँगी, मतलब जो मिक्स्ड वेज पकौड़ा होता है ना, वैसा टाइप का कुछ बनाऊँगी. लेकिन उसके साथ मतलब मिक्स्ड वेज नहीं, मैं पालक की पकौड़ा बनाने वाली हूँ. उसके साथ एक्चुअली आलू और प्याज भी मैं ऐड करूँगी. बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनते हैं. मेरे पास ना पालक रखा हुआ था 2-3 दिन से, तो मैं उसको धो के सुधार के रखी थी, इसलिए वो ख़राब नहीं हुए थे. तो मैं उसको धो के ना कट कर ली हूँ
एकदम फाइन चॉप्ड कर चुकी हूँ, तो बस वही मैं मिला के अभी पकौड़ी छानूंगी, क्योंकि ये जो पकौड़ा है ना, ये अब बारिश में भी बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो। एक्चुअली जो लोग पकौड़ा लवर्स होते हैं ना, उन लोग को कभी भी बना दो तो बस बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए, ये पालक है जो मैं कट करके धो के साफ़ करके रखी थी, फिर से कट करके मैंने धो लिया है इसको अच्छा से। तो बस इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी बेसन। बेसन एक बार में ना आप ज़्यादा ऐड मत कीजिए, इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा बेसन बेसन हो जाता है और स्वाद सब्जियों की नहीं आती है। तो मैं यहाँ से जितना मैं सब्जी ली हूँ उस क्वांटिटी का हिसाब से थोड़ा कम ही बेसन मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बेसन ऐड करने कर देने से ना बेसन का ही सिर्फ स्वाद आने लगता है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और उसके बाद इसको थोड़ा सा सूखे में ही कोडिंग कर लेना है। लाल मिर्च पाउडर ना थोड़ा सा कम लग रही थी मुझे, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया है, कलर भी अच्छा आ जाते हैं उससे। तो अभी पानी आपको नहीं ऐड करना है, इसको सिर्फ बेसन को कोड करना है पूरे वेजीज के साथ, क्योंकि ये वेजीज में ना ऑलरेडी पानी होते हैं और प्याज तो पानी छोड़ने ही लगता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा पानी पानी हो गया है। अब इसको आपको अगर बेसन कम लग रहा है, जैसे मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी बेसन, क्योंकि मेरा वेजीज बहुत ज़्यादा था, तो बस उसमें थोड़ी सी बेसन आप फिर से ऐड कर सकते हो। लेकिन एक ही बार में अगर ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे ना तो बेसन बेसन हो जाएगा, तो ऊपर से मतलब वेजीज आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी पानी हाथ में लेके इसको मैं एक कोट कर दूंगी, ताकि पूरा जो मतलब पकौड़े के जो वेजिटेबल्स है पूरा एक साथ ये कोटेड हो जाए। इसमें भी मुझे बेसन कम ही लग रहे थे, क्योंकि बहुत ही कम बेसन में डाली थी जितना सारा वेजीज था उस हिसाब से। तो बस उस हिसाब से ना मैनेज कर क्वांटिटी एडजस्ट कर करके आप बेसन ऐड कीजिए और पानी ऐड कीजिए उसी हिसाब से। लेकिन ज़्यादा बेसन हो जाएगा ना तो सब्जी का स्वाद नहीं आता है, फिर मुँह में डालने से ना थोड़ा सा बेसन बेसन लगता है, वो ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों को ना थोड़ा सा सब्जी का स्वाद, ज़्यादा सब्जी का स्वाद आए वही अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं पूरा ये कोट कर चुकी हूँ, इसको रेस्ट नहीं कराना है। इसको साथ ही साथ आप ऑयल गरम करने बैठा दीजिए, ऑयल मेरा हॉट हो गया और साथ ही साथ मैं यहाँ पे पकौड़ी को ऊपर से डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसको अगर रेस्ट कराएंगे ना पूरा पानी आपका रिलीज़ हो जाएगा, वाटर रिलीज़ हो जाएगा, इससे आपका क्या होगा ना कि जो पकौड़ी है ना वो ख़राब हो जाएंगे, ऑयल ज़्यादा मतलब ऑयल पी लेगा और थोड़ा सा जब आप सर्व करेंगे ना तब थोड़ा ऑयली ऑयली ज़्यादा लगेगा। तो इसको एकदम रेस्ट मत कराइए, आप जब बेसन डाल के इसको मिक्स दीजिएगा ना तभी आप साइड में ऑयल चढ़ा दीजिए, मैं वही करती हूँ। तो बस चलिए, मेरा यहाँ पे एक बैच ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और मीडियम टू लो फ्लेम में पकौड़ी छानी है। ज़्यादा हाई फ्लेम कर दीजिएगा तो ये ऊपर से तो कलर ले लेगा, अंदर से पूरी तरह से कच्चे रहेंगे, क्योंकि आलू भी मेरा कच्चे हैं और ऊपर से पालक भी कच्चे हैं। तो इसलिए आप हमेशा, मैं हमेशा जो करती हूँ मैं वही बोली हूँ, मीडियम टू स्लो फ्लेम में इसको छान लेती हूँ, तो अंदर तक ये पक जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिर हमको कमेंट करके बताइएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी, ये एक बैच तो मेरा रेडी हो गया, फिर मैं सेकेंड बैच भी इसमें डाल दूँगी और सेकेंड बैच होते रहे तो मैं दूसरा कंपोनेंट तैयार कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा कुछ बनाना है। लेकिन बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है और गर्मी के लिए तो एकदम एप्रोप्रिएट है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सारा पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट कंपोनेंट के और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ आम रस, क्योंकि अभी तो मैंगो का सीज़न है और बहुत सारे मैंगोज मेरे घर में आए हुए हैं। मेरे घर में सब कोई मैंगो बेहद पसंद करता है, तो मैंने सोचा कि चलो आम रस बना देती हूँ आज, और रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप घर में दिस समर सीज़न ज़रूर बनाइए, समर में एकदम अप्रोप्रिएट है जी।
तो एक पके हुए आम था तो उसको मैं इस तरह से मुझे कट कर लेना है, आप इस तरह से इसको कट कर लीजिए, जितना सारा पल्प है ना मैंगोज़ का वो सारे निकाल लीजिए। मैं दो ही आम का बना रही हूँ, बहुत सारा हो जाते हैं। एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें मैंने मैंगोज़ डाले, थोड़ी सी दही ऐड कर दीजिए, उसके साथ थोड़ी सी मिल्क ऐड कर दीजिए, और ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हम शेक नहीं बना रहे। इसके साथ मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, अच्छा खासा मीठा होते हैं अमरस, आप लोग जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। बस इसको एक मिक्स दे दीजिए, पेस्ट बना लीजिए इसका, ये देखिए एक थिक पेस्ट बना लीजिए, बस आमरस ही होता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और बस इसमें पानी ऐड बिल्कुल मत कीजिएगा, बस ये आमरस हम लोगों का रेडी हो चुका है। इसमें मैं अब ऐड करूँगी खूब सारा ड्राई फ्रूट्स और इसको फ्रिज में रख दूँगी कम से कम 1 घंटे के लिए। अभी लंच में टाइम है तो मैं इसको सबसे पहले ऐसे ही बना के मैं इसको फ्रिज में ऐड मतलब रख दूँगी, या फिर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, रख दीजिए। तो बस जब सर्विंग करने का टाइम आए तब ठंडी ठंडी एकदम चिल्ड वाली आमरस सर्व कीजिए, ये रोटी के साथ पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं जी। तो चलिए आमरस हमारा रेडी हो गया, अब चलते हैं तीसरा कंपोनेंट की ओर। मैं बनाने लगी हूँ मटर की सब्जी, जो प्याज मैंने कट करके डाला उसमें मैं 2 टमाटर ऐड करूँगी, बहुत ही इजीली झटपट बन जाती है। थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ तीखी वाली, मेरे घर में थोड़ा सा तीखा खाना ये पसंद होता है, ज़्यादा नहीं, बच्चे हैं तो थोड़ी सी तीखा कम ऐड करती हूँ। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड किया, इसको एक पेस्ट बना लेना है हमको। तो ये देखिए पेस्ट, एक फ़ाइन पेस्ट बन के रेडी हो गया। अब मैं एक कढ़ाई ले चुकी हूँ, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, इसमें ऐड की हूँ जीरा, ऑयल गर्म होने पर जीरा थोड़ा फ्लैटर करे तो जो मिक्स मैं बना के रखी थी पेस्ट उसको ऐड करना है और उसको थोड़ी सी स्टर दे देना है और कुछ नहीं करना है। ढक्कन लगा के मीडियम टू स्लो फ्लेम में इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स लुक ऐड दिस, इसमें उबाला भी आ चुका है। अब मैं इसमें मसाला कर दूंगी, मसाला मैं रेगुलर मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी मिर्ची धनिया के पाउडर और साथ में नमक ऐड कर दिया, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ छोले मसाले, ये मस्ट है, और थोड़ी सी ना आमचूर के पाउडर मतलब ड्राई मैंगो पाउडर जो होते हैं वो मैंने ऐड किया। आमचूर का पाउडर ना बहुत स्वाद देता है जी। इसको ढक्कन लगा के थोड़ा सा पका लीजिए 10 मिनट के लिए। लुक ऐट दिस कलर, ऑयल रिलीज हो गया है और बहुत बेहद टेस्टी बना था। ये ग्रेवी हमारा रेडी हो गया है, इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मटर ही ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को मटर ही इसमें ऐड करना था क्योंकि वाइट मटर इस तरह से बना के मतलब जब सब खाते हैं ना इस तरह से बहुत सबको स्वाद लगता है जी। आप लोग भी बना लीजिए एक बार और मुझे कमेंट करिए, बहुत टेस्टी लगता है। बस इसको ढक्कन लगा के 10-1 मिनट पका लेना है, वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना थाली सर्व कर लेती हूँ और इसमें ना मैं स्क्रम्बल कर रही हूँ थोड़ी सी पनीर, ये होममेड पनीर है, ये भी बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग इस तरह से पनीर इसमें ऐड कीजिए तो बहुत टेस्टी लगेगा। साइड में थोड़ी सी आमरस और रोटी मैंने बना लिया था फटाफट से, और इसके साथ ना थोड़ी सी जलेबी ऐड कर रही हूँ, ये स्टोर बॉट है, लाया हुआ था। तो ये था हम लोगों की आज की थाली, लंच थाली। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो, और हाँ घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये समर स्पेशल थाली आप लोगों को कैसा लगा। क्विक थाली है, समर स्पेशल है और बहुत ही लो इंग्रेडिएंट से बहुत ही झटपट बन जाती है, आपको किचन में ज़्यादा देर खड़ा रहना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन टेस्टी टेस्टी खाना बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए लंच करने के बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे रेडी होने, अभी शाम हो रहा है, मेरा जाने का हम लोगों का टाइम हो रहा है, तो बस थोड़ा बहुत रेडी हो रही हूँ। एक बार कंप्लीट रेडी हो जाऊँ ना उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी, अभी तो पूरा मेकअप आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि झटपट झटपट मेकअप कर रही हूँ, अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने जाऊँगी ना तो ब्लॉग बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं एक बार रेडी हो जाती हूँ फुल्ली, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलो जी अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं रेडी हो गई हूँ और शेखर जी भी रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं फिलहाल। तो ये रहे शेखर जी, तो हम लोग मैं भी रेडी हो चुका है, नीचे है, तो चलिए हम लोग निकले और
पूरा मैं शेयर करती हूँ। और यहाँ पे शेखर जी ड्रेस चेंज इसलिए कर लिए हैं क्योंकि उनका शर्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला नया वाला जो टी शर्ट है वो आप पहन लीजिए। तो चलिए यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं। मैं मयंक से भी आप लोगों को मिला दूँ, और मैं फुल ड्रेस मैंने शेयर नहीं किया, ये दिवाली में मैंने पहनी थी, तब आप लोग देखे होंगे। और ये रहा मयंक, वो भी रेडी हो गया, बहुत आज व्यस्त है मयंक क्योंकि उसको अपना फ्रेंड के घर जाना है। ही इज़ सो मच एक्साइटेड, अंकल से बात कर रहा था वो वहाँ पे। और हम लोग पहुँचे थे इनका घर, ये हम लोगों को बुलाई थी, इनविटेशन था शेखर जी, यहाँ पे हम और शेखर जी बैठे हुए थे। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी बेहद मस्ती किया, और हम लोग मतलब पहुँचे थे बहुत देर रात तक यहाँ पे इंजॉय किए। तो फ्रेंड्स का सारे मम्मी लोग भी आई हुई थी, पापा लोग भी आए हुए थे, और बच्चे लोग को तो आप देख ही लीजिए कितना ये लोग इंजॉय कर रहा है स्कूल के बाहर। मतलब स्कूल में भी ये लोग ऐसा ही करता है, इतना खेल कूद में ही रहता है, तो अच्छा लगा देख के। और ये देखिए कितना एक्साइटेड है सारे बच्चे, ये सारे मयंक का फ्रेंड है, और सारे मयंक का फ्रेंड है, ये क्लासमेट है, तो ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। तो आज मैं ज़्यादा खुश तो यहाँ पे शूट नहीं कर पाई, घर पहुँचती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि मतलब ये आज ही के सुबह है, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। और कल मैं रात को बहुत लेट आई थी जी, तो इसलिए मैं ना और कुछ शूट नहीं कर पाई थी, कम से कम रात को 10:30 से 11 के करीब हो रहा था, तो इसलिए मैंने और कुछ शूट नहीं किया। फिर बातें बातें भी हम लोग कर रहे थे, तो बस यहाँ पे फटाफट से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट का कोई रेसिपी नहीं है, सिंपल सा भिंडी बना रही हूँ, भिंडी रोटी, क्योंकि कल थोड़ा सा खाना हेवी हो गया था। तो सबका कहने का मतलब था कि मतलब शेखर जी भी बोले और दादा भी बोला कि आज थोड़ा सा लाइट वेट खाना बना दो। ऐसे तो कल दादा का इनविटेशन नहीं, दादा नहीं गए थे, बट फिर भी होता है ना कभी कभी लाइट खाने का भी मन करता है, तो बस बहुत ही लाइट वेट प्याज वाली जो भिंडी होती है ना, मर्चा वाली प्याज वाली जो भिंडी होती है, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और मयंक को भी ये वाला पसंद है, और मर्चा मैं ना ऐसे साबुत वाला ही दे देती हूँ, क्योंकि मयंक के मतलब प्लेट में आ जाएगा ना तो वो निकाल देगा, देख के निकाल देगा, तो मर्चा वो तो नहीं खाता है, छोटा बच्चा है। तो बस ऐसे ही सिंपल सा मैंने भिंडी बना लिया है, और भिंडी इस तरह से दिखने लगा, बहुत ही टेस्टी बना था। और आप लोग इस तरह से भिंडी कभी बनाइएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये बहुत अच्छा बना था। तो बस ये तो डन हो गया हम लोगों का, और कुछ करना नहीं था, फिर थोड़ी सी रोटियां सेक लेनी थी बस वही, और दाल मैंने बना लिया था साइड में, क्योंकि भिंडी ना थोड़ी सी सूखा हो जाती है, तो दाल को मैंने सोचा कि थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ। तो बस दाल थोड़ी सी ठंडी हो रही थी, इसको थोड़ा सा चढ़ा दिया, थोड़ा सी गर्म हो जाएगी, तो बस इसको मैं तड़का लगा दूंगी अच्छे से, जो प्याज वाली तड़का होती है। मैं आपको दिखा रही हूँ कौन सा तड़का मैं दाल में लगा रही हूँ। तो बस ये यहाँ पे तड़का पैन मैंने ले लिया है, और तड़का पैन में मैं ऐड करने वाली हूँ ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है, आप घी का तड़का भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सिंपल सा ज़ीरा डाली हूँ मैं इसमें, ज़ीरा थोड़ी सी फ्लैटर कर गया, थोड़ी सी प्याज मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर दिया है दाल में मतलब तड़के में। बस इसको थोड़ी सी आपको भून लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत भूनना है, ताकि ये प्याज थोड़ा अच्छा से भून जाए, तो बस ये भून जाएगा तो और कुछ नहीं। इसमें थोड़ी सी आपको ऐड करनी है लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, मैं गैस ऑफ कर चुकी हूँ तब मैंने लाल मिर्च ऐड किया। बस ये सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ, सॉरी गैस को थोड़ा सा स्लो कर दिया था मैंने, ऑफ नहीं किया था, तो बस इसमें तड़का मैं लगा दिया, तो देखिए दाल भी अच्छा दिखने में लगा है। तो बस यही था सिंपल सा हम लोगों का आज की ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लूँगी, बस हो जाएगा मेरी ब्रेकफास्ट रेडी। और आज इसके साथ मैं आज आ गई हूँ ब्लॉग का एंड में। अगर ब्लॉग किसी भी पॉइंट पे आपको अच्छा लगे, कुछ भी पसंद आए ब्लॉग में, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब रजिस्टर फॉर न्यू इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।